हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर बकरी वकरी का काम हम तो करते हैं। भैया बहुत पुराने हैं बकरी लाइन के और 14 साल से इस लाइन में हैं हम, और आप लोग के बीच हम लाते रहते हैं। हाँ, तो हमारे भाई एक दूध दूध पिला रहे हैं उधर, जो कि आप लोग को वीडियो दूसरा बना के डालेंगे। और इस लाइन में भैया हमको 14 साल हो गया है दोस्तों, और किसान भाइयों और साथियों 14 साल हो चुका है। तो थोड़ा बहुत हमको पता तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और हम जंगल में ही रहते हैं दोस्तों। शायद आप लोग को पता ना हो, हम जंगल में रहते हैं, जंगल में काम करते हैं, बकरी का काम करते हैं, और सऊदी अरब में रहते हैं, रहकर काम करते हैं। और जंगल में आप लोग को मालूम है कि दुकान और मेडिकल और ऐसा कुछ दवा खाना कुछ नहीं इधर मिलेगा। जब भी मिलेगा 100 किलोमीटर या तो फिर एक साइड 50 किलोमीटर, इतना दूर दूर पे मिलेगा। वो भी हमको गाड़ी वाड़ी चलाना तो मालूम नहीं है ना, तो कपिल यहाँ पे ज़्यादा रहता है तो मान लो कि लेके जाता है बकरी अगर कोई बीमार हो गई तो, नहीं तो फिर देसी उपाय हम लोग करते हैं ज़्यादातर करके। ऐसे इलाज भी रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, इलाज भी रहता है हम लोग के पास इमरजेंसी के लिए, लेकिन सबसे पहले देसी इलाज हम लोग करते हैं। और देसी इलाज से अगर जब नहीं सही होता है तो कोई भी इंजेक्शन हम लगाते हैं, जो जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से दवा करते हैं, सुई दवा जो भी हो करना पड़ता है तो करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर करके देसी उपाय सबसे अच्छा हम समझते हैं और सबसे बेस्ट समझते हैं। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं आज एक वैसा ही देसी इलाज, जो कि बकरी तो बकरी बच्चों के लिए भी रामबाण साबित होगा। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे वीडियो जंगल का हम लाते हैं, जो कि जंगल सऊदी अरब से रहता है, और लोग का भी डालते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमारा अपना ही डालते हैं, और भाई लोग के पास जाते हैं जो अपने इंडियन भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, नेपाली भाई हैं, जो भी मिल गया सबका डालते हैं। बकरी यानी जितने मजरे में काम करने वाले मिल जाते हैं तो डालते रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम ये बता रहे हैं कि समझ के चलें, अगर बकरी के बच्चे को लूज मौसम दस्त अगर हो जाए तो देसी उपाय में क्या करना चाहिए, जो कि आप लोग को हम बताएंगे और दिखाएंगे। करके तो भाई नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पास लूज मौसम वाले नहीं हैं, ठंड में ज़्यादातर करके होते हैं, इलाज वही करना पड़ता है, उससे अगर नहीं सही होता है तो जो भी दवा दारू कर काम करना पड़े करते हैं, तो उस टाइम करके भी दिखाएंगे। आज हम ऐसे ही बना के बता रहे हैं, सबसे अच्छा बताएंगे, जो कि फायदा ही फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा दोस्तों। तो आइए हम दिखाते हैं और बताते भी हैं। जो चाय होता है दोस्तों, अगर बकरी के बच्चे में दस्त होए और नहीं ठीक होए तो चाय जो होता है, चाय को थोड़ा सा पानी में डाल के गर्म करें, चाय नुमा बनाएं, थोड़ा तगड़ा बनाएं, एकदम थोड़ा तगड़ा रहे। और अगर ऐसा चाय मिले जो पत्ती वाला होता है तो 24 घंटा के अंदर अंदर में एकदम टकाटक हो जाता है बच्चा। तो दोस्तों अपने इंडिया पाकिस्तान में शायद मिलता हो या न मिलता हो हमको तो नहीं मालूम। इंसान के लिए भी चाय फायदा ही करता है लूज मौसम में, बाकी जानवर की तो बात अलग है, जानवर में जो करता है वो करता ही है। तो दोस्तों वही चाय पत्ती और चाय यानी चाय जैसा बना लें, थोड़ा नमक भी डाल लें ज़रूरत अनुसार, स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं। उसके बाद खूब खौला लें, खौला के एकदम गाढ़ा चाय बना के, यानी हाथ से अगर निकलने लायक हो जाए तो और बेहतर है, लेकिन अगर नहीं भी उतना हो पाए तो थोड़ा गाढ़ा रहे और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक चम्मच पिलाएं बच्चे को, मैं बता रहा हूँ बच्चे को एक चम्मच पिलाएं, एकदम टकाटक हो जाएगा दोस्तों। जैसे में कि हम लोग के यहाँ यूज जो होता है चाय वो ये है, आप देख सकते हैं यह चाय है, यही चाय अपने यहाँ यूज होता है दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
हम भी काम करें दोस्तों, क्योंकि बच्चे चिल्ला रहे हैं दूध के लिए।